फैक्ट नंबर वन, बॉलीवुड के किंग कहे जाने वाले शाहरुख खान केवल इंडिया में ही फेमस नहीं है बल्कि पूरी दुनिया भर में उनके नाम का डंका बजता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। हाल ही में एक इकोनॉमिस्ट अश्विनी देशपांडे ने अपने ट्विटर हैंडल पर यह शेयर किया कि इजिप्ट में उन्हें किसी अर्जेंट काम के लिए जाना था जिसके लिए उन्हें एक ट्रैवल इजिप्शियन एजेंट को पैसे ट्रांसफर करने थे, लेकिन पैसे ट्रांसफर करने में दिक्कत आ रही थी। तभी उस एजेंट ने कहा कि आप शाहरुख खान के देश से हो ना, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, मैं अभी बिना पैसे के ही आपकी बुकिंग कर देता हूँ, आप बाद में मुझे पेमेंट कर देना, और आप उनके देश से ही हैं इसीलिए मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप पेमेंट जल्दी कर देंगी। गाइज, आपको शाहरुख खान की इस पॉपुलैरिटी के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब हमारे YouTube के वीडियोस YouTube से भी पहले देखें हमारी A2 ऐप पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, डाउनलोड राइट नाउ। फैक्ट नंबर टू, पंजाब के जुड़वा भाई सोहना और मोहना के एक शरीर में दो जान, दो चेहरे और चार बाजू कुदरत के किसी करिश्मे से कम नहीं है, लेकिन जब ये दोनों पैदा हुए थे तो डॉक्टरों ने दोनों को अलग ना करने का फैसला लिया था क्योंकि सर्जरी के दौरान किसी एक भाई की जान जा सकती थी। पर दोनों की मुसीबतें यही खत्म नहीं हुई, जन्म लेते ही उनके माँ बाप ने उन्हें छोड़ दिया और एक चैरिटेबल सोसाइटी को दे दिया। पर वो कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। बड़े होकर उन दोनों ने उसी चैरिटेबल सोसाइटी में मेहनत और लगन के साथ अपनी पढ़ाई पूरी की, जिससे आज दोनों को पंजाब के सरकारी विभाग में सरकारी नौकरी मिल गई है। गाइस, तरस आता है उन माँ बाप पर जिन्होंने ऐसी चंगी औलादों को छोड़ दिया। फैक्ट नंबर थ्री, बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड को हराकर वो कर दिखाया है जो भारत और पाकिस्तान जैसी मजबूत टीमें भी पिछले 11 सालों में नहीं कर पाई। जी हाँ गाइस, न्यूजीलैंड से 32 टेस्ट मैच भिड़कर सभी मैच हारने वाली बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने पहली बार न्यूजीलैंड को उसी की धरती पर किसी टेस्ट मैच में हराया है। इसके साथ ही अपनी धरती पर लगातार 17 मैच से अजेय चली आ रही न्यूजीलैंड की टीम को बांग्लादेश जैसी टीम से मुंह की खानी पड़ी। दरअसल बांग्लादेश की यह जीत इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि उसने उस टीम को हराया है जिसने पिछले साल ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया था। फैक्ट नंबर फोर, स्पाइडरमैन की नई फिल्म नो वे होम लोगों का दिल तो चुरा ही रही लेकिन उसके साथ साथ उनके बैंक अकाउंट से पैसे भी चुरा रही। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। दरअसल साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स ने शुक्रवार को लोगों को ये चेतावनी दी है कि शातिर हैकर्स नई फिल्म स्पाइडरमैन नो वे होम के नाम से बनाई गई वायरस फाइल के जरिए लोगों के बैंक डिटेल चुरा रहे हैं। कैस्पर स्काई रिसर्चर्स ने बताया कि फिल्म के प्रीमियर से पहले ही धोखेबाजों ने गतिविधियों को तेज किया और दर्शकों के बैंक डिटेल्स को चुराने के लिए फिशिंग वेबसाइट्स और वायरस की मदद ली और कई लोगों को करोड़ों रुपयों की चपत लगा दी। तो गाइज, आप भी सावधान रहें और स्पाइडरमैन की इस नई फिल्म को ऐसी किसी लिंक से डाउनलोड ना करें। फैक्ट नंबर फाइव, जब आज से 21 साल पहले साल 2000 में लारा दत्ता ने इंडिया के लिए मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था तब हरनाज संधू महज एक साल की थी, लेकिन अब साल 2021 में वो इंडिया की तीसरी ऐसी महिला बन गई हैं जिन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया है। हालांकि हरनाज के लिए इस ताज को जीतना इतना आसान नहीं था, उन्होंने बेहद कठिन सवाल का जवाब बहुत ही खूबसूरती से देकर लोगों का दिल जीत लिया था। दरअसल हरनाज से पूछा गया था कि आप उन युवा महिलाओं को क्या सलाह देना चाहेंगी जो एक तरह के दबाव में जीती है, तो उन्होंने इसके जवाब में कहा था कि देखिए, दूसरों से खुद की तुलना करना सबसे पहले हमें बंद करना होगा क्योंकि आप अपनी लाइफ के लीडर्स हैं, आप अपनी आवाज हैं, मुझे खुद पर विश्वास था और इसीलिए आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। अब हमारे YouTube के वीडियोस YouTube से भी पहले देखें हमारी A2 ऐप पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, डाउनलोड राइट नाउ। सो गाइस, ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए A2 अमेजिंग फैक्ट्स के हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सकें। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड।